वीरवार को सोलन के बाईपास के समीप दोहरी दीवार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक स्कूटी सवार डिलीवरी बॉय की ट्रक से टक्कर होने के बाद मौत हो गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति की उम्र लगभग 42 साल के आसपास की बताई जा रही है और व्यक्ति सिरमौर जिले का रहने वाला बताया गया है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन लोगों से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति का नाम हितेंद्र है और जोमैटो कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करता था। मृतक व्यक्ति के दो छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डिलीवरी बॉय अस्पताल में सामान डिलीवरी कर वापस आ रहा था कि ये हादसा हो गया और स्कूटी चालक को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन से वर्षा महंत के साथ निशांत सूद की रिपोर्ट। वीरवार को सोलन के बाईपास के समीप दोहरी दीवार के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक स्कूटी सवार डिलीवरी बॉय की ट्रक से टक्कर होने के बाद मौत हो गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति की उम्र लगभग 42 साल के आसपास की बताई जा रही है और व्यक्ति सिरमौर जिले का रहने वाला बताया गया है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन लोगों से मिली जानकारी के अनुसार व्यक्ति का नाम हितेंद्र है और जोमैटो कंपनी में फूड डिलीवरी का काम करता था। मृतक व्यक्ति के दो छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया है। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। डिलीवरी बॉय अस्पताल में सामान डिलीवरी कर वापस आ रहा था कि ये हादसा हो गया और स्कूटी चालक को अपनी जान गंवानी पड़ी। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन से वर्षा महंत के साथ निशांत सूद की रिपोर्ट।